आइए आज हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दो चैप्टर से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सामान्यतः पूछी जाती हैं। आयनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और कुछ कोवलेंट कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो पहली वीडियो में आज हम आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए क्या? हम कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्पेशली सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन, चार एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर याद कर लेते हैं, तो हम जो हमारे सिलेबस में चार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हैं, NaCl, MgCl2, Na2O, MgO, इनको आसानी के साथ कर सकते हैं। Na जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 26। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। सामान्यतः कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस का लेने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, NaCl। NaCl में सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, Na281Cl17287। सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28। इसी तरीके से Cl287 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 288। सोडियम जिसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, और Cl जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। सोडियम मेटल है और मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट कर सकता है। इसी तरीके से Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट कर सकता है। तो अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, Na एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो 1 इसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, Cl इसके 7 अपने इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से गेन किया और इसके ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया और ये NaCl की स्ट्रक्चर बन गई। इसी तरीके से अब हमें समझना हो Na2O, क्या समझना है, Na2O। तो इसी प्रकार सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 28, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कैसा चार्ज ले लेगा, नेगेटिव, और इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 28। तो क्योंकि पर ऑक्सीजन कितने सोडियम की जरूरत हो रही है, 2। ऑक्सीजन जिसके आउटर मोस्ट सेल में
सिक्स इलेक्ट्रॉन, और सोडियम आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। इसी तरीके से इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। तो बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ने दिया दूसरे ने लिया, तो बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2Na प्लस आयन डॉट डॉट ऑक्सीजन, जिसके पास छह अपने थे और दो इसने गेन किए, तो जितने इसने गेन किए हैं पर एटम इसके पास उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गई Na2O। अब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ MgCl2। MgCl2 तो मुझे किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत है, Mg और Cl। Mg जिसका एटॉमिक नंबर 12, क्लोरीन 17, 282, क्लोरीन 287। Mg जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और कितने Cl की ज़रूरत है मेरे को, 2, तो 2 मैंने Cl बना दिए, और प्रत्येक Cl के पास अपने आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7। तो अपने नज़दीक का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नज़दीक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जो Mg ने इसको दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Mg ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए हैं और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो ये बन गया मेरे पास MgCl2। अब मैं समझने की कोशिश करता हूँ MgO, उसी प्रकार Mg एटॉमिक नंबर 12 O 8 2 8 2 2 कॉमा 6। Mg जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन जिसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो Mg अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है O को। Mg दो इलेक्ट्रॉन दे करके विद्युत धनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके विद्युत ऋणी इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बंध या विद्युत सहसंयोजक बंध। आयनिक यौगिकों की जो प्रॉपर्टी हैं, अधिकांश आयनिक यौगिक सॉलिड ठोस अवस्था में होते हैं। आयनिक यौगिकों के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण से इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिकांश आयनिक यौगिक वाटर सॉल्युबल होते हैं, जबकि कोवलेंट सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट में ये विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।